अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट इज़ रिश्ता स्कूल ऑक्सफोर्ड कैंपस। हमने 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने कर लिए थे, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। उसमें हमने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यूज़। हमारे पास गिवन जो है वो इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है और मैंने थर्ड पार्ट लिखा है, सेकेंड आप इसका खुद अटैम्प्ट करेंगे। तो देखें जी, इसका हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इस आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। इस 2 को पहले आपने इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर आपने इस 3 iota को दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास क्या आएगा 2x। 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 2y iota। माइनस 3 iota को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3 iota x, और प्लस माइनस आपके पास आएगा माइनस। और 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो y आएगा, अयोटा की पावर आपके पास क्या आएगी 2, और ये किसके इक्वल है 4 plus iota के। अब देखें, ये आप आपके पास अयोटा की पावर यहाँ पर 1 है और ये अयोटा की पावर 1 है। जब पावर से बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अयोटा स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है जी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है -1। तो आप यहाँ पर आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कंपेयर करेंगे जी। आपके पास 2x, इसमें से आपके पास जो है वो अयोटा फॉर्म जो है वो कॉमन आ रही है, और इसके अंदर आप क्या करें वैल्यू पुट कर दें, आपके पास क्या है 4 plus iota के। अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया -1। अब यहाँ से देखें, अयोटा और ये अयोटा क्या आ गया कॉमन, ये आपके पास 2y आ गया, और यहाँ से क्या बचा आपके पास 3x आ गया जी। अब ये आपके पास रियल नंबर्स आ गए और ये आपके पास क्या आ गया इमेजिनरी आ गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे 2x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा 3y plus into, इसको हम लिख सकते हैं -3x plus 2y iota = 4 plus iota। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने क्या करना है जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है जी। तो यहाँ से देखें, ये आपके पास रियल है, और राइट साइड में देखें तो 4 आपके पास रियल है, और यहाँ से देखें ये आपके पास इमेजिनरी है, तो ये आपके पास किसके इक्वल है जी, इमेजिनरी के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे 2x plus 3y किसके इक्वल है जी 4 के, और इधर देखें तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा -3x plus 2y iota किसके इक्वल है iota के। तो इसको आप कह रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको ज़रा सॉल्व करने हैं तो क्या लिखा जाएगा -3x plus 2y = 1, iota से iota क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा जी, क्योंकि इसका कोफिशेंट आपके पास क्या है जी 1 है जी, इसको ये लिखा जा सकता है। तो आप देखें, यह आपके पास 2x है, इसको आप कहें यह आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब आपने 3 मेथड पढ़े थे इसको सॉल्व करने के, एक्स और वाई को फाइंड करने के। एक आपने पढ़ा था इक्वेटिंग द कोफिशेंट्स, दूसरा आपने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक आपने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड 8th class 6.9 एक्सरसाइज के अंदर। तो इसमें देखें हम कौन सा हम इक्वेटिंग द कोफिशेंट करेंगे, कैसे कर सकते हैं। देखें, एक्स के साथ यहाँ पर आपके पास 2 है और यहाँ पर एक्स के साथ आपके पास -3 है, तो क्या करें, इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस सेकंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से फाइंड हो सकती हैं। क्योंकि जब ये एक्स और एक्स इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी वाई की, फिर हम जब वाई फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर आके वैल्यू पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा एक्स फाइंड हो जाएगा। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 the 6 और 3 3 the 9y और 3 4 the 12, यह आपके पास है थर्ड इक्वेशन। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से करें तो आपके पास क्या आएगा -6x और 4y किसके इक्वल है 2 के, आपके पास बन गए 4th। अब देखें, कोफिशेंट आपके बराबर हो गया, यह आपके पास 6x आ गया और यह आपके पास क्या आ गया -6x। इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, ऐड कर लें, तो -6x plus 4y किसके इक्वल है 2 के, दोनों को आप क्या कर लें ऐड। हम क्या कर रहे हैं जी, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जब आप ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 plus 4 किसके इक्वल है 13y के, और ये आपके पास 12 को 2 के अंदर ऐड करें तो 14 आएगा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 14 over क्या आ गया 13।
या आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड होगी है वाई की। अब वाई की वैल्यू आप इन में से किसी भी एक इक्वेशन में आगे पुट करें तो आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी एक्स की। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास क्या है 2x + 3y = 4, 2x + 3, वाई की जगह पे हमने क्या पुट करना है जी 14/3, या के पास क्या आ गया 14/13, तो या के पास आएगा 2x, 3 को 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास 42 आएगा, दूसरी तरफ ही दे जाती हैं तो या के पास क्या आएगा -42/13, तो 2x 13 आपके पास LCM आ गया तो यह आपके पास क्या आएगा 52 - 42, तो 2x किसके इक्वल आएगा, इसको ज़रा सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 10/13, तो इसको ज़रा सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 10/13 × 2, मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा, कटिंग कर लें तो हमारे पास क्या आएगा 5/13, तो यह आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड होगी है जी एक्स की वैल्यू फाइंड होगी है। हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, एक हमने y फाइंड करना था और एक हमने x फाइंड करना था, x हमारे पास 5/13 और y हमारे पास 14/13। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, आगे इसका देखते हैं जी हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमने x और y ही फाइंड करना है, तो आपके पास क्या है 3 + 4i² -2 × x - y किसके इक्वल है x + y i के। यह आपके पास आपने फार्मूला पढ़ा होगा a + b² हमने अच्छी तरीके से हमें याद है a² + b² + 2ab, इसके ऊपर हम वो फार्मूला लगाएंगे क्या करें जी, यह आपके पास पहले क्या लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा 4i² प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह पे हमारे पास है 3 और b की जगह पे 4i, और इस -2 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करते चले, -2 को x से मल्टीप्लाई करें -2x आएगा, -- क्या आएगा प्लस, और ये आपके पास 2y² आएगा और ये किसके इक्वल होगा x + y² के। तो 3 दा आपके पास आएगा 9 और 4 4 दा 16 i² की पावर 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से करें 6 आएगा, 6 को 4 से करें क्या आएगा 24 i -2x + 2y² और ये किसके इक्वल है x + y² के। तो अब देखें i² आपके पास किसके इक्वल है जी -1 के, ये आपके पास लिखा हुआ है जी, और उसके बाद ये आपके पास i वाला है और ये आपके पास i है, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें तो ये आपके पास लिखा जाएगा 9 + 16 - 1, और उसके साथ ये आपके पास ये भी रियल नंबर है -2x और ये आपके पास 24 + 2y और यहाँ से i कॉमन और ये किसके इक्वल है x + y i के। तो ये आपके पास क्या आएगा 9 - 16 - 2x प्लस इंटू 24 + 2y = x + y i, तो 16 में से 9 निकालें आपके पास आंसर क्या आएगा -7 - 2x और प्लस इंटू 24 + 2y i किसके इक्वल है x + y i के। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, कंपेयर real and imaginary parts both side, दोनों तरफ हमने क्या करना है जी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेना है, या आपके पास रियल है तो इस तरफ ये आपके पास एक्स रियल है, ये इमेजिनरी है तो इस तरफ क्या है वाई इमेजिनरी है जी, आपके पास क्या लिखा जाएगा -7 - 2x इसके इक्वल है एक्स के और ये आपके पास आएगा 24 2i किसके इक्वल है जी y के, i से i कैंसिल हो जाता है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, -7 या आपके पास x प्लस क्या आएगा 2x, इसको जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो या आपके पास -7 2 और 1 आपके पास यहाँ पर 1 है जिसका कोफिशियंट 2 और 1 आपके पास क्या आंसर आएगा 3x, तो या आपके पास -7/3 किसके इक्वल है जी x के, या आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। यहाँ से हम y फाइंड कर लेते हैं 24y - 2y, तो 24 किसके इक्वल आएगा -y के, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -24, ये हम जो थे x और y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जी। क्वेश्चन नंबर था 7 एक्सरसाइज 2.6 का, ये भी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी, फर्स्ट MCQs आपके पास है 27 x की पावर -1 होल पावर -2/3,
तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका ए ऑप्शन आएगा, एक्स स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन 3 इंडेक्स और ओवर 9 आएगा। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, कहता है कि एक्स रेडिकल साइन 7 इंडेक्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसका आंसर अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो एक्स 1/7 यानी कि सी पार्ट आएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर थर्ड है 4 2/3, तो 4^2 और जो 1/3 होगा वो इंडेक्स फॉर्म के अंदर लिखें, रेडिकल फॉर्म लगा के इंडेक्स लिखें तो आपके पास ए ऑप्शन आएगा। इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 इन रेडिकल साइन 35 इंडेक्स क्या है 3, तो इसमें जो रेडिसेंट है वो आपके पास 35 है, इसको रेडिसेंट भी बोलते हैं, इसको बेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 25/16, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 4/5। तो यानी कि पहले आप इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे, जब आप पावर को पॉजिटिव कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप दोनों की फैक्टराइज कर रही हैं कि 4^2 आएगा और 5^2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4/5 आएगा। कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है जी 5+4 आयोटा का, तो आयोटा के साथ जो साइन होगी वो आपके पास चेंज हो जाएगी, 5-4 आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 9 आपके पास किसके इक्वल आता है जी आयोटा के, क्योंकि आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 1 लिखा जाएगा, तो -1/4 इज इक्वल टू आयोटा। तो जब पावर इवन आ गई तो अंदर जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास आयोटा आएगा। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद रियल पार्ट ऑफ 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज़ डैश, या आपके पास -2ab आएगा, इसको आप ज़रा सॉल्व कीजिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट है इमेजिनरी पार्ट, वो आपके पास आएगा -2, क्योंकि जब -3 आयोटा जो है माइनस आयोटा जो है 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा की पावर 2 आएगा, और आयोटा स्क्वायर जो होगा -1 के इक्वल होता है, तो वो आपके पास रियल नंबर बन जाएगा, और जो -आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा आएगा, तो इसलिए -2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो आपके पास 0 सेट आएगा, खाली 0 जो है फर्स्ट ए ऑप्शन है, नेम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज इन डैश, या आपके पास ऑप्शन सी आएगा, 13 का ऑप्शन आपके पास बी आएगा, 14 का ऑप्शन आपके पास ए आएगा, और जो आपके पास लास्ट वाला है इसका ऑप्शन आपके पास आएगा जी एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रू फॉल्स हैं, वो भी आप इसके देखिएगा, बड़े आसान है जी। डवीन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक है जी, हमने एडिशन पढ़ा, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ में, लेकिन हमने डवीन नहीं पढ़ा। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो जो है वो होल नंबर के अंदर आता है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.02 इज़ 50, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 0.02 का सॉल्व करें तो हमारे पास 1/50 आएगा, तो 50 से क्रॉस करें आंसर आपके पास 1 आएगा जी। पाई इज़ अ रैशनल नंबर, जब हमने पाई की डेफिनेशन, हमने इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने बताया था जो आपके पास पाई है वो स्पेशल केस है, तो इसलिए ये इरेशनल है, ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, वो कहता है कि हर इंटीजर क्या होता है रैशनल नंबर हो सकता है जी, तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है जी। उसके बाद सब्ट्रैक्शन इज़ अ कॉमन कम्यूटेटिव ऑपरेशन, ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, हाँ जी बिल्कुल ठीक कहता है कि हर रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है जी, नहीं जी नहीं, हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास रियल नंबर में 2 भी आता है, रियल नंबर में 3 भी आता है, रियल नंबर में 5 भी आता है, तो वो तो आपके पास रैशनल नहीं है, वो तो आपके पास क्या है इरेशनल, अगर स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर हम उसको लिखे तो। उसके बाद कहता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, तो आपके पास जो 8वां इसका पार्ट है वो भी क्या है जी ट्रू है। और उसके बाद नेक्स्ट है 1.8, उसके ऊपर बार है, अब इस 8 बार को सॉल्व करेंगे तो 1+8/9 आएगा, ये आपने एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करें तो 1+8/9 ही आंसर आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है ट्रू है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, वो हमने इसको बताना है कि हमने सिंपलीफाई क्या करना है।
रिव्यू एक्सरसाइज नंबर टू है आपके पास। क्वेश्चन नंबर है थ्री, पहला पार्ट इसका देखें। 81y-12x-8, 81y-12x-8 और इंडेक्स आपके पास क्या जी 4। सबसे पहले हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रेडिकल फॉर्म है, तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 81y-12x-8 और होल पावर क्या लिखा जाएगा 1/4। अब यहाँ पर लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो होल पावर आपके पास क्या लिखा जाएगा 1/4। तो 81 की फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास आंसर आएगा 3/4 y-12 और x-8 और होल पावर 1/4। अब इस 1/4 को अलग-अलग कर लें आप सॉल्व, ये एक्सरसाइज 2.4 जैसे आपने की थी सेम टू सेम, और यह आपके पास x-8 होल पावर 1/4। इसको ये क्रॉस, यह आपके पास 4 3 दा क्या आएगा 12 और 4 2 दा आपके पास क्या आएगा 8। यह क्या लिखा जाएगा 3y-3 और x-2। जब पावर आप पॉजिटिव करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 3/x-2 और y क्या आएगा 3। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेम इसी तरीके का आपका सेकंड पार्ट आप इसका सॉल्व करेंगे और इसी तरीके का आप इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। 5/4 मैं आपको कर देता हूँ। x-6 (32x-6, 32x-6, y-4) और z, और नीचे हमारे पास है 625x-4 (+4), z-1, y-1 और z-4, और जो आपके पास होल पावर है वो आपके पास है 2/5। सबसे पहले आप क्या करें, इनको ज़रा ऊपर नीचे करके अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। इसको हम लिख सकते हैं 2/5, या आपके पास जो लिखा हुआ 32 इसको क्या लिख सकते हैं 2/5, और ये क्योंकि ऊपर पॉजिटिव हो रहा है x, तो नीचे आके आपके पास लिखा जाएगा 5/5। तो ये x ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि लिखा जाएगा 4+6। और जो आपके पास y है वो उसको आप क्या करें, या आपके पास y-4 है जी, y-4 है, इसको भी आप नीचे ले आएँ तो क्या लिखा जाएगा 1+4। z-4 नीचे -4 है, इसको आप ऊपर ले जाएँ तो क्या लिखा जाएगा 1+4 और होल पावर क्या आएगा 2/5। आपने इसको ज़रा सॉल्व इस तरीके से करना है ताकि जो है या आपके पास जो 1/5 है ये आसानी के साथ ख़त्म हो सके। तो यह आपके पास लिखा जाएगा 2/5 और z-5, नीचे आपके पास आएगा 5/5, x-10 और y-5 और होल पावर 2/5। अब ये 5 जो है इनके साथ क्या हो जाएगा कैंसल, या आपके पास 5 2 10 और 5 1 इज़ 5। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो क्या लिखा जाएगा 2z/5x-2 और साथ क्या आएगा y और होल पावर क्या आएगा 2। अब यह आपके पास जो पावर है इसको आप हर के साथ सॉल्व करें, ये जब 2/2 बनेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4, साथ क्या आएगा z/2 और 5 को अगर दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 25, x-2 और 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 4, y-1 और 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 2। तो यह आपके पास था इसका पार्ट नंबर 4। यह आपके पास नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो मैंने आपको बताया था कि आपने जो एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर जो था 1 और उसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकंड हमने किया था सेम उसी तरीके का था, उसमें आपके पास आंसर 6 आया था, तो इसमें आपके पास क्या आएगा 6/5। तो ये आपके पास क्या था जी उसका पार्ट नंबर 5।
625 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, आपको बता दूं किस तरीके से होगी। तो 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25, फिर 5 के साथ करें 5 2 is 10, 5 5 is 25, और ये 5 5 is 25, ये 5 की पावर 4 आएगा यहाँ पर। यह आपके पास 4/5 लिखा जाएगा, तो ये भी क्या लिखा जाएगा जी, 5 की पावर 4/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 5 की पावर 8/5। इस 8/5 को हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं, 4z², इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 3 + 5/5, यह आपके पास x^4 और y^2। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, 4z² क्या आएगा, 5 3/5 5/5 x^4 और y^2। तो मज़ीद इसको हम सिंपलीफाई हम कर रहे हैं जी, तो ये क्या लिखा जाएगा, 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 + 1 और x^4 y^2। तो मज़ीद इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग पावर करने, ये लिखा जाएगा 5 3/5, ये 5 की पावर 1 लिखा जाएगा पहले बार, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, x^4 और y^2। तो ये आपके पास इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद अगर आपने सॉल्व करना है तो उसको रेडिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है जी। तो इसका पार्ट नंबर जो 4 था वो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर जो था 4, उसका सेकंड पार्ट सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करना था, और जो 5 है वो मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2.5 का उसके अकॉर्डिंग है। आगे नेक्स्ट देखें इसका क्वेश्चन नंबर 6। सिंपलीफाई द फॉलोइंग, a^p/ a^q, और ये तो पांचवा पार्ट आ गया, छठा देखें जी, a^2l/ a^l+m होल पावर, आपके पास क्या है जी, कुछ नहीं है, a^2m/ क्या है, a^m+n, और ये आपके पास है जी a^2n/ a^n+l, ब्रैकेट आपके पास बंद है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आपके पास जो बेस अगर सेम हो तो जो आपके पास नीचे पावर होगी उसको आप ऊपर ले जाएं, तो क्या लिखा जाएगा, a^2l-l+ क्या है, -m आएगा, तो सारी नेगेटिव ऊपर जाके वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, इसको हम क्या लिखेंगे, a^2m-m और साथ क्या आएगा, -n, और ये क्या लिखा जाएगा, a^2n-n माइनस आपके पास सी, आपके पास क्या जी, एल है, एल, तो इसको आप ज़रा सॉल्व कर लें, तो ये लिखा जाएगा a^2l में से एल निकालें क्या आएगा, l-m, नेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा m-n, और नेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा n-l, बेस सेम है तो पावर्स आप क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये आपके पास l-m + m-n + n-l, तो इसमें देखें तो ये L जो है वो इसके साथ कैंसिल, NN के साथ कैंसिल, MM के साथ कैंसिल, तो आपके पास a^0 और वो किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है जी। इसी तरीके से जो आप इसका जो पार्ट नंबर 7 है वो भी सॉल्व करेंगे सेम टू सेम मेथड, ये लिखा जाएगा a^L और नीचे आपके पास a^m है, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -a^L-m, a^m-n अगला, और उसके बाद a^n-l, इसका रेडिकल साइन जो है वो कंबाइन कर लें, तो उसके बाद जब बेस सेम हो जाती है तो पावर सारी ऐड कर लें, तो वो भी 1^0 आएगा, 1 के इक्वल होगा, और 1 का अगर आप क्यूब रूट फाइंड करें तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर, यूनिट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, कल से इंशाल्लाह हम इसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।